आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। आरोपी ने न्यायालय में गीता पर हाथ रखकर कसम खाई, परिवादी ने राजीनामा किया। नेशनल लोक अदालत में 75 से अधिक केस हुए निराकृत, सनावद न्यायालय, 2 लाख से अधिक के राजीनामे हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा तहसील विधिक सेवा समिति सनावत के अध्यक्ष श्री सुशील गहलोत एवं पूर्वी तिवारी द्वारा प्रातः 10:30 बजे समस्त अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, पक्षकारगण, विभिन्न संस्थाओं, बैंक, नगरपालिका के कर्मचारियों की उपस्थिति में सरस्वती जी और गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। दिन भर चली लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें सनावत के न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील गहलोत के न्यायालय में कुल 20 से अधिक प्रकरण निराकृत हुए। लगभग 42,000 से अधिक की वसूली हुई, जबकि न्यायाधीश पूर्वी तिवारी के न्यायालय में लगभग 55 केस निराकृत हुए और 1,70,000 की वसूली हुई। न्यायालय में उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब चेक के मामले में सनावत न्यायालय के पूर्वी तिवारी न्यायाधीश के समक्ष प्रकरण क्रमांक 32/2022 NIA एक्ट में परिवादी मां नर्मदा किराना तरफे प्रोप्राइटर दुर्गाराम पिता हुकमचंद पाटिल निवासी सनावत विरुद्ध हजारी पिता पांच्या निवासी बेड़िया आरोपी के मध्य 70,000 का किराया सामान को लेकर दिए गए चेक पर प्रकरण विचाराधीन था। आज लोक अदालत में आरोपी द्वारा गीता जी पर हाथ रखकर कसम खाने, मैंने परिवादी से 30,000 का सामान खरीदा, जिस पर परिवादी द्वारा जब आरोपी द्वारा अपना ईमान गीता जी पर छोड़ दिया तो बाकी के 40,000 भी लेना निकलते हुए भी छोड़कर राजीनामा किया। उनके अधिवक्ता सदबीर सिंह खनूजा, फरियादी शादाब शेख आरोपी का विशेष योगदान रहा। वहीं ट्रिपल तलाक केस के बावजूद घरेलू हिंसा में शबनम विरुद्ध जावेद पति पत्नी को वापस मिलाया। श्वेता महेश्वरी अधिवक्ता नुमान अधिवक्ता ने घरेलू हिंसा में कृष्ण राव सोना ने वकील साहब शादाब शेख ने आरजू विरुद्ध हुमायूं पति पत्नी को फिर से एक किया। नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन में सहयोग करने वाले सभी सम्मानीय अधिवक्तागण, न्यायालय खंडपीठ सदस्य रविंद्र अम्बिया, प्रमोद गंगराले, आर एस सिसोदिया और समस्त सम्मानीय अधिवक्तागणों का विशेष योगदान रहा। प्रकरणों में राजीनामा के उपरांत उनके अधिवक्ता गणों के समक्ष न्यायाधीश गण द्वारा पक्षकारों को न्याय वृक्ष के रूप में पौधे वितरित किए गए। वन विभाग की ओर से इस हेतु 700 से अधिक विभिन्न प्रजाति के पौधे उपलब्ध करवाए गए, जिसमें आम, जाम, नीम, नींबू, पीपल आदि के पौधे थे। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट।